डिप्टी सीएम केशव मौर्य पहुंचे अयोध्या, पीएम विश्वकर्मा योजना का लाइव प्रसारण में, जहां केशव प्रसाद मौर्य आईटीआई में हुआ योजना दिल्ली से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की। वहीं केशव मौर्य ने कहा, प्रधानमंत्री का एक ही लक्ष्य है, जब तक गरीब अमीर नहीं बनेगा तब तक भारत दुनिया में नंबर एक नहीं बनेगा। इसलिए उनका लक्ष्य गरीबों को अमीर बनाना, उनके जीवन को खुशहाल बनाना। प्रदेश में होने वाले उपचुनाव पर केशव प्रसाद मौर्य बोलते हुए कहा कि सभी 100 सीटों पर भाजपा की जीत होगी। वर्धा से कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। मेरे लिए गर्व का विषय है कि मैं भगवान श्री रामलला की जन्मभूमि अयोध्या से इस कार्यक्रम में सहभागी बन रहा हूं। और यह योजना बहुत ही दूरगामी सोच का परिचायक है। समाज का हर वह वर्ग से जुड़ा हुआ बच्चा जो कुछ करना चाहता है, 18 साल से ऊपर उसकी उम्र होनी चाहिए, वो प्रशिक्षण प्राप्त कर सकता है, टूल किट प्राप्त कर सकता है, बैंक से ऋण प्राप्त कर सकता है प्रमाण पत्र के आधार पर। यह सारी योजना के अंदर व्यवस्थाएं की गई और प्रधानमंत्री जी का एक ही लक्ष्य है, जब तक गरीब अमीर नहीं बनेगा तब तक भारत दुनिया में नंबर एक नहीं बनेगा। इसलिए उनका लक्ष्य गरीब को अमीर बनाना है और उनके जीवन को खुशहाली लाना। सर उपचुनाव होने हैं, उपचुनाव में हम लोग लगभग मार के चलिए सभी सीटें जीती। तीन बात कर रही है सरकार, अगर उसमें कोई सच्चाई होगी जो दोषी होंगे उनपे वहाँ सरकार कार्रवाई। पूरे उत्तर प्रदेश में भी क्षुद्र मानसिकता के लोग होंगे जो इस प्रकार के घटिया आचरण करते होंगे, अगर इसमें सच्चाई है। अभी तो ये प्रचारित है मीडिया में, लेकिन सच्चाई का पता करना चाहिए, भक्तों की भावनाएं आहत न होने पावे, इसके लिए कदम। प्रमाण पत्र भी जारी किया गया, जांच करने का काम चल रहा है। यूपी में भी क्या लागू होगा, जांच की जरूरत पड़ेगी लागू। अच्छा एक सवाल और है, आप जी का है तो कभी कभी संगठन में जो तालमेल है, में पूरा तालमेल है, सरकार में पूरा तालमेल है, ये दृष्टि दोष होगा हमारे विरोधी मित्रों का। धन्यवाद। और क्या था, यहाँ के सांसद जी ने यहाँ पे जो उन्होंने आरोप लगाया था कि जो बीजेपी के विधायक हैं और जो अधिकारी हैं उन्होंने दिल्ली के भाग से छीका कभी कभी टूटता है। समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी बनेगी, ये मैं अयोध्या की धरती से कह रहा हूँ। यह सच है कि समाजवादी पार्टी झूठ बोल करके, गुमराह करके 2024 के लोकसभा चुनाव में कुछ सीटें ऐसे जीत ली जो उनको भी अपेक्षा नहीं रही होगी, लेकिन हमारी जो कमियां थी उनको हम लोगों ने खोज लिया है और उनको सुधार करके 2027 में 2017 यूपी में दोहराएंगे, कमल ही कमल खिलाएंगे, ऐसा विश्वास। विपक्ष हमारा आदर्श नहीं है, हमारा